अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो जब हम सेबी की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे तब हमारे पास IFSCI की नोटिफिकेशन आई, अब हम RBI की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं लेकिन हमारे पास IRDAI की नोटिफिकेशन आई। सो अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, IRDAI की नोटिफिकेशन आई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। तो जिनको एक बार के लिए नहीं पता, IRDAI भी हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को, एंड आई थिंक आप में से 100% को 99% को पता ही होगा ये बात। तो एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं जल्दी से और सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेते हैं। तो टोटल हमारी 45 पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, तो पोस्ट बहुत अच्छी है। टोटल जो एग्जाम होगा वो हमारा 3 phases में होगा। फेज 1 हमारा ऑनलाइन MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी एग्जाम, फिर फेज 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एंड फेज 3 इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, टोटल जो पोस्ट है हमारी वो है 45। ठीक है, इन 45 में से 25 पोस्ट जो है हमारी वो स्पेशलाइज स्ट्रीम के लिए है, विच इंक्लूड्स एक्चुअरियल, फाइनेंस, लॉ, IT एंड रिसर्च। मतलब 5-5 होंगी, 5 एक्चुअरियल, 5 फाइनेंस, 5 लॉ, 5 IT एंड 5 रिसर्च। तो जो रिमेनिंग बच गई 20 पोस्ट वो हो गई हमारी जनरल स्ट्रीम के लिए। ठीक है, इसको भी डिटेल में आगे नोटिफिकेशन में डिस्कस कर लेंगे। फिर आगे बात करूं मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, नीचे चलते हैं। जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है आज से ही 11th अप्रैल से, और जो लास्ट डेट है हमारी अप्लाई करने की वो है हमारी 10th of May। ठीक है, सो ऑलमोस्ट आपके पास 1 month है अप्लाई करने का, लेकिन आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना। फिर होता क्या है, जो हमारे चॉइस के एग्जाम सेंटर्स होते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं मिलते। ठीक है, और उसके बाद जो फेज 1 की एग्जाम डेट्स हैं उन्होंने बोला गया है बाद में बताएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर जो हमारा एग्जाम क्लोज डेट है उसके 1 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो मैं बात करूं जून के 1st and 2nd week में हमारा एक्सपेक्टेड रहेगा कि फेज 1 का एग्जाम हो, तो जून के 1st and 2nd week में आपका फेज 1 का एग्जाम हो सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रहेगा और बहुत टाइम है अभी हमारे पास इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए। आगे बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट की, तो जो मिनिमम एज है वो 21 years, मैक्सिमम 30 years, याद रखना एज ऑन 10th May 2023। 10th May 2023 में 21 और 30 years, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा या तो आप 11th May 1993 में या फिर 10th May 2002, इन दोनों के बीच में पैदा हुए होने चाहिए। ठीक है, प्लस इन दोनों ही डेट्स में, मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है और ये है तो आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, रिलैक्सेशन की बात करूं तो सेम सी रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 years, OBC के लिए 3 years एंड PWD में कंबाइंड जो हो जाती है, तो मतलब अगर PWD SC ST है तो टोटल 15 years, 10+5, अगर OBC है तो 10+3, 13 years, और अगर जनरल है अनरिजर्व्ड है तो 10 years। ठीक, बाकी डिटेल्स जो आपकी रिस्पेक्टिव है वो आप स्टडी कर सकते हो। फिर बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जैसे मैंने बताया स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स हैं और जनरल स्ट्रीम है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम में एक्चुअरियल जिसकी 5 posts हैं, उनकी सेम क्वालिफिकेशन गिवन है, ग्रेजुएशन विद 60% एंड 7 papers पास्ड। सिमिलरली फाइनेंस में ग्रेजुएशन विद 60% और साथ में डिग्री होनी चाहिए ICAI, AICA, ACS, CFA वगैरह वगैरह हो गई हमारी फाइनेंशियल रिलेटेड जो डिग्रीज होती हैं। लॉ की हो गई फिर 5 posts, IT की हो गई 5 posts, रिसर्च की हो गई 5 posts और लास्ट में जर्नलिस्ट हो गई हमारी 20 posts, जैसे मैंने डिटेल में बताया। और जो जनरल स्ट्रीम है उसमें ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऑल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई अंडर जनरल स्ट्रीम। ठीक है, फिर आगे बात कर लूं जो हमारी स्ट्रीम्स हैं। अच्छा, क्या हम एक या ज्यादा स्ट्रीम्स में पेपर अप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर है यस, बट इसमें हमें ध्यान रखना है मैक्सिमम 2 streams में अप्लाई कर सकते हैं, जनरल प्लस कोई एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम। तो जनरल या फिर कोई एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम, इन दो में हम अप्लाई कर सकते हैं, या तो अकेले जनरल में या तो अकेले स्पेशलाइज्ड में या दोनों में। ठीक है, एज रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 5% रिलैक्सेशन, ये सेम सही है। आगे मैं नोटिफिकेशन की आपके साथ डिस्कस कर लूं, फिर आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस।
जैसे बताया सबसे पहले फेज वन रहने वाला है जो कि हमारा ऑनलाइन रहेगा। फेज वन हमें हमारी फिर हमारी शॉर्टलिस्ट होंगे स्टूडेंट्स, तो याद रखना जैसे आईएफएससी या सेबी है वो क्वालिफाइंग नहीं है इनका फेज वन, जो है हमारी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी फेज वन के बाद जैसा आरबीआई में होता है, ठीक है। और यहां पे स्पेसिफिकली लिख दिया है कि 20 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा फेज टू के लिए। सो अगर 45 पोस्ट है हमारी तो ऑलमोस्ट 900 स्टूडेंट्स कॉल करे जाएंगे फॉर फेज टू एग्जामिनेशन। फेज टू हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है जिसमें तीन पेपर होंगे, तीन पेपर में एक इंग्लिश हो गया, एक फाइनेंस मैनेजमेंट और एक है हमारा ESI विद इंश्योरेंस, ये हो गया। इसकी सिलेबस अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फेज थ्री जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा इंटरव्यू, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी वो प्रिपेयर्ड होगी हमारी फेज टू और फेज थ्री के बेसिस पे। तो फेज वन सिर्फ क्वालिफाइंग है बट हाँ उसकी मेरिट लिस्ट जरूर प्रिपेयर्ड होगी, मतलब उसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक। फिर बात कर ले, जैसे मैंने बताया कि फेज टू और थ्री के मार्क्स लगने हैं, तो फेज टू के जो आपके मार्क्स लगेंगे वो लगेंगे 85% और फेज थ्री के लगेंगे आपके 15%, ठीक है। सिलेबस की बात कर लूं तो फर्स्ट फेज जो रहने वाला है उसमें आपके वो सेम रहने वाला है, दैट इज रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांट, सबके 40-40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, और जो आपको कंपोजिट टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 90 मिनट्स, मीन्स आपको डेढ़ घंटे में 160 क्वेश्चन करने हैं। तो प्रैक्टिस करोगे तो इजिली हो जाएगा, डेढ़ घंटे में आपको 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि हर एक सेक्शन की सेपरेट कट ऑफ भी होंगी, ठीक है, हर एक सेक्शन की सेपरेट कट ऑफ भी होंगी और ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ भी अवेलेबल होंगी, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग रहेंगी 1/4 की, मतलब अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स हमारे डिडक्ट होंगे, नेगेटिव मार्किंग है। फिर बात कर लेता हूं फेज टू डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की, इसमें हमारे टोटल 3 पेपर्स रहने वाले हैं, पेपर 1 इंग्लिश, फिर है हमारा पेपर 2 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इंपैक्टिंग इंश्योरेंस। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना ESI देख के कि IFSCA और जो RBI में ESI पढ़ा है क्या वही है, नहीं ये सेम नहीं है हमारा, ये स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंश्योरेंस है, तो ये टोटली आपके लिए न्यू टॉपिक रहेगा। सिमिलरली अगर पेपर 3 की बात करूं तो उसमें 2 टॉपिक्स हैं, इंश्योरेंस और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हद से ज्यादा आपका RBI सभी से मैच हो रहा है बट इंश्योरेंस आपके लिए न्यू रहने वाला है, ठीक। अब इधर देख लो जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है और साफ लिखा है क्वेश्चंस विल बी अपीयर ऑन स्क्रीन एंड द आंसर हैव टू बी रिटन ऑन आंसर शीट्स, मतलब आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चंस होंगे बट आपको पेन पेपर से आंसर लिखना होगा, ठीक है, आपको पेन पेपर से आंसर लिखना होगा। हर एक पेपर के जो मार्क्स रहेंगे 100 100 100 और टाइम जो रहेगा 60 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स का आपका एग्जाम रहने वाला है फेज टू, ठीक है। फिर फेज थ्री इंटरव्यूज हो गए हमारे, ये सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। जैसा बताया था कि डिस्क्रिप्टिव के 85% रहेगी वेटेज और जो इंटरव्यू है उसकी 15% वेटेज रहेगी। अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो जो हमारा बेसिक पे हो गया वो हो गया 44,500, अगर जो भी आपको पर्क्स और अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे तो उसके बाद जो आपकी पे बन जाता है वो बन रहा है अराउंड 1,30,000 रुपीज, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आपकी। फिर एग्जाम सेंटर्स की बात कर लूं, ये सारे आपके एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट आ गई, ये आप चेकआउट कर सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फेज टू के जो एग्जाम सेंटर्स हो गए, फेज टू के एग्जाम सेंटर्स लिमिटेड ही हैं, तो हमारे पास हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली NCR रहने वाले हैं, ज्यादा फेज टू के एग्जाम सेंटर्स नहीं है। तो अगर आप कहीं और हो, पंजाब वगैरह हो, तो आपको शायद दिल्ली वगैरह जाना पड़ेगा एग्जाम देने, तो इस पॉइंट को ऑलरेडी अपने माइंड में रखना, ठीक। अगर मैं फीस की बात करूं तो SC ST BWD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज एंड अदर्स के लिए 750 रुपीज, ठीक। ये बेसिक डिटेल्स हैं, बाकी आप अपने रिलेटेड चेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो, सेम सी ही होती है हर एक नोटिफिकेशन में। अब मैं एक बार बात कर लेता हूं आपके साथ फेज टू के सिलेबस की, वो डिटेल में दे रखा है हमारे पास फेज टू का सिलेबस। फेज टू का सिलेबस लास्ट में दे रखा है, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार।
ये आ गया फेज टू का हमारा सिलेबस। तो जो पेपर वन रहने वाला है उसमें आएगा इंग्लिश, इंग्लिश में एसे प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन हो गया। फिर आता है हमारा पेपर टू, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इंपैक्टिंग इंश्योरेंस। अब हम में से कई सबको लग रहा होगा कि ईएसए पुराने वाला है, लेकिन आप देख सकते हो सिलेबस में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, फिर उससे रिलेटेड प्रीमियम सेकंड, इंश्योरेंस प्रीमियम सेटिंग्स वगैरह हो गया, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस हो गया, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया, उसमें भी हमारा इंश्योरेंस से रिलेटेड ही डिस्कस होगा। सिमिलरली इकोनॉमिक कैपिटल, रिस्क बेस्ड कैपिटल, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर हो गया। ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके मेजरली इकोनॉमिक से रिलेटेड, या वो टॉपिक जैसे अगर फाइनेंस भी है तो फाइनेंस कैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड है, मतलब इंश्योरेंस की जो फाइनेंस हो गई उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर पेपर थ्री आता है हमारे पास इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। तो पहले ईएसआई जो कनेक्ट हो रही है इंश्योरेंस से, पेपर टू इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। इंश्योरेंस में हमारी हिस्ट्री वगैरह आ गई, लीगल फाउंडेशन वगैरह आ गए, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरर्स आ गए, ये सारी चीजें आ गई। और मैनेजमेंट ये थोड़ा बहुत आपका सेम हो जाएगा जो कि आपका आरबीआई और सेबी से हो जाता है, ठीक है। लीडरशिप, एचआरडी, परफॉर्मेंस अप्रेबल, मोटिवेशन, ये सिलेबस हमारा सेम रहने वाला है। अब दो चार डाउट्स हैं कि कितने क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, और ये जो सिलेबस है क्या सभी स्ट्रीम्स के लिए सेम है? एज ऑफ नाउ अभी तो सेम लग रहा है, अगर कोई अलग नोटिफिकेशन आएगी तो वैसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी क्या सिलेबस अलग वगैरह है, अभी के लिए सेम सिलेबस है फॉर ऑल दी स्ट्रीम्स। इस सिलेबस में सिर्फ एक ही सिलेबस मेंशन है, डिस्क्रिप्टिव टू का, ठीक है। एक बार रिकॉल करा दूं, लास्ट डेट आपकी 10th मई है। फिर तीन फेजेस में एग्जाम है, फेज वन में हमारा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, फेज टू में हमारा डिस्क्रिप्टिव है टोटल, जिसमें तीन पेपर, जिसमें आ गया इंग्लिश, ईएसआई विद इंश्योरेंस प्लस इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, और फेज थ्री हो गया हमारा इंटरव्यू, ठीक है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड इट्स लाइक कि सभी के लिए न्यू रहने वाला है, तो अभी से पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो अगर उससे रिलेटेड क्लैरिटीज होंगे हमारे पास तो जरूर रिप्लाई करेंगे, या जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट आएगा, तब आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मैं इसी चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। So that's all for today. Bye bye. Take care. All the best.